31 मार्च 2013 को सब सामान नए घर में शिफ्ट हो गया था। वो पुराने वक्तों का एक किनाल पर मुश्तमिल बड़ा घर था। चूंकि वो एक बड़ा कुंबा था, गुंजान शहर के बीच में इतना बड़ा घर किराए पर मिलना एक नेमत थी। 13 अफराद पर मुश्तमिल इस घराने में हाजी साहब, उनकी बीवी, 2 बेटे शहजाद और जवाद हैं। बड़े बेटे शहजाद और बीवी के 4 बच्चे मुजम्मिल, सबा, सना और मुदस्सिर हैं, जबकि छोटे बेटे जवाद और उनकी बीवी के 3 बेटे साद, फहद और अहद हैं। शहजाद और जवाद का फर्नीचर शोरूम है। बड़े बच्चों में मुजम्मिल, सबा, साद और सना है, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्हें शिफ्ट हुए 6 माह गुजर चुके थे और सभी तकरीबन अपनी रूटीन के मुताबिक सेट भी हो चुके थे। मिसेस जवाद सास को सुबह का वाकया बताते हुए, अम्मी, साद ने बहुत तंग किया हुआ है, हफ्ता हो गया है लेकिन वो कॉलेज नहीं जा रहा है। फहद भी उसकी देखा देखी बदतमीज हो गया है। जवाद साहब को भी नहीं कह सकती, आप तो जानती हैं, वो मारते पहले हैं और पूछते बाद में हैं। बच्चों पर हाथ ना उठाया करो, अब वो बड़े हो रहे हैं, आप माँ हैं उनकी, आप तो जानती हैं उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। कल साथ को कॉलेज के लिए मैं खुद उठाने आऊंगी, सास ने तसल्ली दी। मिसेस शहजाद हाजी साहब को चाय देने कमरे में आईं, जहां वो मगरिब की नमाज के बाद कुछ वजीफे पढ़ा करती थीं। कमरे से निकलते हुए उन्हें याद आया कि किचन में दूध चूल्हे पर रखा था, वहां पहुंची तो दूध गिर गया था। एकदम उन्हें बहुत गुस्सा आया। मिसेस जवाद किचन में कुछ काम कर रही थी। चूंकि उनकी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो दूध चूल्हे पर गिरने की आवाज से मुड़ी। अब चूल्हा बंद किया है, पहले ही कर लेती, मिसेस शहजाद गुस्सा कंट्रोल करते हुए भी कह गई। भाभी, दूध आप रख कर गई थी, आपको चाहिए था कि ध्यान रखती, और आप मुझे कह रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो दोनों 15 मिनट तक बहस करती रहीं। आखिरकार हाजी साहब और सास ने आकर चुप करवाया, और जब दोनों डिनर बनाने लगीं तो सोचने लगीं, आखिर बात क्या थी जिस पर इतना हंगामा किया। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। माशाल्लाह, आप दोनों भाइयों का बहुत इत्तेफाक है, वरना आजकल के दौर में ऐसा इत्तेफाक कहाँ होता है। किश्वर सयाल हाजी साहब के कज़न थे, जो अपनी फैमिली के साथ उनके घर दावत पर आए थे। साथ, जब तुम मेरी बेल्ट इस्तेमाल करते हो तो वापस भी रखा करो, देखो मैं कितना लेट हो गया हूँ। मुजम्मिल अपने दोस्त की पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। ओ हाँ, मैं भूल गया था, साथ यहाँ वहाँ ढूंढते हुए कह रहा था। अरे भाई लाओ भी, मैं लेट हो रहा हूँ। मुजम्मिल उसके ढूंढने से चिड़ा, यहीं रखी थी यार, सफाई वाली आया ने यहाँ वहाँ कर दी होगी। जब ख्याल नहीं रख सकते तो मेरी चीज़ें इस्तेमाल भी मत किया करो, देखो मुझे कितनी देर हो रही है। मुजम्मिल और साथ की तकरार सुनकर मिसेस शहजाद कमरे में आईं और मामला पूछकर उनके साथ बेल्ट तलाश करने लगीं। तलाशी का ये अमल पूरे घर ने शुरू कर दिया, लेकिन बेल्ट थी कि नहीं मिल रही थी। एक एक जगह को दो दो बार चेक किया। जैसे जैसे मुजम्मिल लेट हो रहा था, साथ के लिए उसका गुस्सा बढ़ रहा था, और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक आ चुकी थी। फहद और अहद ने ब्रॉयलर चूजे खरीदे थे, जो कि अच्छा ख्याल रखने की वजह से 2 माह में ही काफी बड़े हो गए थे। वो घर से बाहर लॉन या टेरिस में भी नहीं जाते थे। एक रात अहद ने उन्हें खिला पिलाकर सुलाया। जब सुबह वो उन्हें देखने गया तो सब कुछ मौजूद था, लेकिन 2 चूजों का नामो निशान नहीं था। घर के एक एक फर्श से पूछा गया, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए, जबकि किसी बिल्ली चूहे का वहां आना नामुमकिन था। कोई खून का धब्बा या टूटा हुआ पर भी नहीं था। अहद का रो रो कर बुरा हाल था। बस करो यार, बाबा और ले आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है। फहद भाई, आपका मिट्ठू भी तो ऐसे ही गायब हुआ था ना। यार वो तो परिंदा है, उड़ गया होगा कहीं। लेकिन मुदस्सिर भाई ने उसके पर काटे थे, वो उड़ नहीं सकता था। मिट्ठू बेवफा होते हैं, ये उड़ जाते हैं। तुम्हारे चूजे भी कहीं चले गए होंगे, लेकिन कहाँ? सब लॉक था भाई, पता नहीं। अच्छा छोड़ो यार। सभा को देखने बिलाल की वालदा और 2 बहनें आई थीं। चाय नाश्ते के बाद वो बातचीत में मसरूफ थे कि बिलाल की बड़ी बहन ने अजीब नजरों से सबको देखा और फिर कांपते हुए अपनी चीखें रोकीं और फिर बेहोश हो गईं। उसे होश में लाने में 10 मिनट लगे और फिर वो रुके नहीं, और ना ही दोबारा कोई खबर आई। सास ने शहजाद को कहा था कि वो मस्जिद के मौलाना साहब से पानी दम करके लाएं, ताकि घर से जो बेसुकूनी और लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें कमी आए। अरशद मामू का बेटा सजावल अपने किसी काम के सिलसिले में वहां आया था, 2 दिन उनके साथ ठहरा। यार साथ, ये घर आसेब सदा है। अच्छा, वो कैसे?
मुझे कल रात महसूस हुआ है। नहीं यार, ऐसे ही वहम होगा तुम्हारा। मैं सच कह रहा हूं साहब, कल कोई मेरा बैठ हिला रहा था कि मैं नींद से जाग गया। कोई ख्वाब देखा होगा यार, इस बेड पर तो मैं सोता हूं, मुझे तो कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। सना और सबा के एग्जाम हो रहे थे, इसलिए वो दोनों रात देर तक पढ़ाई करती रहीं। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद सना किताब पढ़ते ही सो गई। सना बस करो, रात की खामोशी में अचानक सबा झुंझलाती हुई आवाज में बोली, तो मुंह पर किताब रखे सना की आंख खुल गई। भाई क्या है यार, बस करो, मजाक की भी हद होती है। कल मेरा इतना जरूरी पेपर है और तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? उसके इल्जाम से सना बैठ गई। क्या बोले जा रही हो, हुआ क्या है? तुम कितनी देर से उंगलियों से चुटकियां बजा रही हो, और जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूं तो तुम सो जाती हो। सबा तुम ठीक तो हो? मेरी तो आंख लग गई थी, पता नहीं कितनी देर से सो रही हूं। सना ने घड़ी देखते हुए सफाई दी। तो फिर और कौन है इस कमरे में हम दोनों के सिवा? सना और सबा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अभी वो दोनों इस बात को समझ ही रही थीं कि सना ने तसल्ली दी, नहीं यार ये तुम्हारा वहम होगा, जाओ जाकर फ्रेश हो आओ, मैं भी कॉफी बनाने जा रही हूं। सना ये कहकर अभी उठ ही रही थी कि दो चुटकियां फिर से बजाई गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सब वहीं छोड़कर कमरे से भाग गई। भाभी कल रात खैरियत तो थी? बातों की आवाजें आ रही थी, मिसेस जव्वाद ने पूछा। अरे बच्चियां डर गई थी रात में, चाची कोई हमारे कमरे में चुटकियां बजा रहा था, सबा ने कहा। ऐसे ही वहम होगा, आजतल कुर्सी पड़ा करो, कुछ नहीं होता। बहू देखना जरा ये मुजम्मिल की बेल्ट तो नहीं है जो वो दो दिन पहले तलाश कर रहा था? हाँ हाँ अम्मी ये तो वही है, लेकिन ये मिली कहां से? कॉमन रूम के काउच पर पड़ी थी। इतनी वाजे जगह, हमने तो पूरा घर छान मारा था। वो काउच तो क्या, मैंने पूरे रूम की एक एक चीज देखी थी, मिसेस शहजाद ने हैरत से कहा। अम्मी आप नोट कर रही हैं, जब से हम यहां शिफ्ट हुए हैं ना इत्तफाकी नफरत गुस्सा और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। जवाब भी नींद में अक्सर डर कर जाग जाते हैं। चाची डरावने ख्वाब तो मुझे भी आते हैं, सना ने कहा। ऐसे ही वसवसे ना पालो तुम लोग, कुछ नहीं है, नमाज पढ़ा करो और तिलावत कुरान किया करो, अल्लाह ऐसे वसवसों से महफूज रखेगा। दादी ने यह कहकर सबको चुप करा दिया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हाजी साहब हसब मामूल अपने कमरे में वजीफे का वर्द कर रहे थे, और यहां कमरे में साथ को अजीब घुटन और गुस्सा आ रहा था। उसका जहन सोचने में मसरूफ था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से उसे इतना शदीद गुस्सा आ रहा है। खुद को पुरसुकून करने के लिए वो छत पर आ गया, जहां सबा आखिरी पेपर के बारे में अपनी क्लास फेलो इरम के साथ फोन पर बात कर रही थी। इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? साथ को बेवजह सबा पर गुस्सा आया। सबा ने मोबाइल पर हाथ रखकर कहा, दोस्त है, स्टडी डिस्कशन, नीचे जाओ। साथ गुस्सा दबाने में नाकाम हो रहा था। साथ बदतमीजी मत करो और तुम जाओ यहां से। सबा ने आंखें दिखाई तो साथ ने गुस्से में मोबाइल छीना और फर्श पर पटखा। जब मैं कह रहा हूं कि नीचे जाओ, आगे से बहस मत करो। अपना टूटा हुआ मोबाइल देखकर वह गुस्से से हाजी साहब के कमरे में चली गई और साथ घर से बाहर निकल गया। जव्वाद और शहजाद फर्नीचर मटेरियल की खरीदारी के लिए दूसरे शहर गए थे। आज वाकये के बाद सभी ने साथ को कसूरवार ठहराया। मुसलसल होने वाले अनहोने वाकयात से सभी घर वाले परेशान थे। साथ पिछले 5 घंटे से घर से बाहर था। मिसेस जव्वाद साथ की क्लास लेने की गरज से अपने कमरे में साथ का इंतजार कर रही थीं। उसने मैसेज करके बताया था कि वो दोस्त के साथ है, आधा घंटा मजीद लेट हो जाएगा। इसी दौरान मिसेस जव्वाद की आंख लग गई। एकदम से टीवी ऑन हुआ और न्यूज चैनल की तेज आवाज से मिसेस जव्वाद की आंख खुल गई। रिमोट दूर टेबल पर था और कमरे में उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था। उन्हें हैरत तो बहुत हुई, लेकिन शायद टीवी पर अनजाने में कोई टाइमर लगा हुआ हो। ये वहम जानकर उन्होंने टीवी ऑफ किया और पास पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और साथ को कॉल मिलाई। अगले 5 मिनट में तो मुझे घर में नजर आओ। अगले लम्हों में साथ उनके कमरे में सर झुकाए बैठा था। आखिर तुम्हें हो क्या किया है, इतना शदीद गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है मुझे आज तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी हुई? ऐसे सख्त मिजाज तो तुम कभी भी नहीं थे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? सॉरी मामा, मैं खुद भी गिल्टी हूं, आइंदा ऐसा नहीं होगा, साथ ने बस इतनी ही वजाहत की। तुम कल सबा को सॉरी कहोगे। जी बेहतर, अब जाओ यहां से और सो जाना, काफी लेट हो गया है।
साथ वहां से उठ गया। सबा बाजी, मेरी प्यारी आपा, मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ एक हफ्ता बड़ी हूं, शर्म करो तुम, और मुझसे तो बिल्कुल भी बात ना करो। सॉरी ना, पता नहीं मुझे आजकल क्या होता जा रहा है, दिल करता है खुद को मार लूं या दूसरे को कत्ल कर दूं। सबा ने आंखें फैलाई। कजन, तुम बदतमीज होने के साथ खौफनाक हो गए हो, शायद मुझे सब घर वालों पर गुस्सा आता है। सोचता हूं किस बात पर गुस्सा है, और वजह भी कोई नहीं होती। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, सबा ने खफगी से कहा। अपनी पॉकेट मनी से नया ला दूंगा यार, बस तुम पापा के सामने इस बात का जिक्र ना कर देना, वरना मेरी खैर नहीं है। तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो और किसी इमाम साहब से भी इस मसले का पूछ लो। तुम बहुत अजीब होते जा रहे हो, मेरा मस्जिद जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो घर में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नहीं यार। क्या नहीं? सबा ने हैरत से पूछा तो उसने कहा, छोड़ो यार, हो सकता है एग्जाम स्ट्रेस हो, और मैं तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से मोबाइल ला दूंगा। आई नो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाजी साहब ने सदक़े के लिए 2 बकरे मंगवाए थे, गोश्त तकसीम करने के बाद वो मुतमईन थे कि अब घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये मेरी चीज़ों को आखिर हाथ ही क्यों लगाया जाता है? मुदसर अपने भाई मुजम्मिल की गोगल्स पहनकर बाहर गया था, और इतनी सी बात पर मुजम्मिल सीख पा हो गया था। उसके कमरे में जाकर अलमारी से सारा सामान उलट दिया था। यहां किसी को छोटे बड़े का लिहाज है या नहीं? मुजम्मिल चुप हुआ तो कमरे से साथ भी निकला। एक बार कुछ लिया था तो क्या सारी उम्र ताने दोगे? औरतों वाले काम ना किया करो भाई। बेटा, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मुदसर की बात कर रहा है, मिसेस शहजाद ने सफाई दी। औरतों से क्या मतलब है तुम्हारा? छोटा हूं मैं तुमसे जो यूं बदतमीजी कर रहे हो? खामोश हो जाओ दोनों, हाजी साहब ने मुदाखलत की, लेकिन तब तक मुजम्मिल उसका गिरेबान पकड़ चुका था और इस लड़ाई को रोकने में तमाम घर वाले बीच बचाव करते रहे। रात को हाजी साहब के कमरे में सब घर वाले मौजूद थे। सबसे पहले साथ मुजम्मिल और मुदस्सिर की क्लास हुई। दादा दादी और वालदैन से माफियां मांगने के बाद वो एक दूसरे से गले मिले। दादी ने तजवीज़ दी कि अगर दोनों घरानों में पोर्शन अलग कर दिए जाएं तो हो सकता है इन झगड़ों में कुछ कमी आ जाए। शहजाद और जव्वाद उसके हक में बिल्कुल नहीं थे। अम्मी, जैसे भी हालात आ जाएं, हम कभी अलग नहीं होंगे। बिल्कुल अम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, जव्वाद ने बड़े भाई की ताईद की। मिसेज जव्वाद ने जो कहा उसमें कुछ लोगों ने हामी भरी। मुझे महसूस होता है कि यह घर आसेब सदा है, यहां होने वाले वाकयात नॉर्मल नहीं है। चाची, आप ठीक कह रही हैं। दादा, मुझे भी डरावने ख्वाब आते हैं, कभी कुछ गुम हो जाता है, एकदम से लड़ाई हो जाती है और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। अरे कोई आसेब नहीं है, ये वहम है। ये सब बेबरकती इसलिए है कि घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत कुरान नहीं करते, लेकिन अब्बू, आप और अम्मी तो नमाज पढ़ते हैं और दीगर इबादात भी। मिसेस शहजाद पहली बार बोली, वो भी गैर मामूली वाकयात से परेशान थी। मैं जुमे की नमाज कज़ा नहीं करता, साद ने कहा। बाकी दिन नमाज की छुट्टी कहाँ लिखी है? और बहू, क्या ये नमाज सिर्फ मेरे लिए फ़र्ज हुई थी? अफसोस, मेरा घराना जिसको मैंने मेहनत और तवज्जो से बनाया, बड़े छोटे की शर्म लिहाज छोड़कर अल्लाह के नाफरमान भी हो गए हैं। सब खामोश थे। अब्बू जी, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आइंदा नमाज की पाबंदी करूँगा, शहजाद साहब ने कहा तो बाकी सब भी बारी बारी अहद करने लगे, और अगले दिन से काफ़ी लोगों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। सना बेखाबी से उठकर माँ के पास आई थी। वो रो रही थी, आखिर मुझे ये डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो मेरी बच्ची। जी, वो भी पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फहद किचन में पानी पी रहा था कि अचानक मुड़ा। उसे लगा कि किसी ने आवाज़ दी है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। कमरे में मिसेज जव्वाद के पास आया तो असर की नमाज पढ़ रही थी। सना अपने कमरे में रोए जा रही थी। मिसेज शहजाद और सबा उसे चुप करवा रहे थे। अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, आखिर रो क्यों रही हो? पता नहीं मामा, दिल कर रहा है कि जोर जोर से रोऊं। कोई तो वजह होगी, किसी ने कुछ कहा है? सबा ने नफी में सर हिलाया और मजीद रोने लगी। उसकी रोने की शिद्दत के साथ अब वो खुद को पीटने लगी, कभी मुंह पर थप्पड़, कभी सर पर। सबा और मिसेज शहजाद बमुश्किल उसे संभाल रहे थे। आयतल कुर्सी का वर्द करते हुए सबा भाग कर दादा को बुला लाई। दादा मगरिब की नमाज के बाद अस्माउल हुस्ना का वर्द कर रहे थे। कुरानी आयात पानी पर दम करके उसे पिलाया तो उसकी तबीयत संभली,
अचानक चेहरा हाथों में छुपाकर वो फिर रोई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी। पता नहीं मैं क्यों कर रही थी। मामा आपको तो पता है ना, मैं कभी खुद को हर्ट नहीं कर सकती। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस शहजाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, इट्स ओके बेटा, टेक इट इजी। अपनी बहू की वो बातें जिनकी वो हौसला शिकनी करते रहे, उनके सामने सना की बिगड़ती हालत और तीन चार बार के उन दौरों ने उन्हें मौलाना साहब से इस मसले को हल कराने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी पोती बेवजह रोना शुरू कर देती है, कभी खुद को मारती है, कभी चीखती है जैसे किसी से डर रही हो। घर में भी दिन में कई बार झगड़ा हो जाता है। जितना शदीद झगड़ा होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है, जबकि उस वक्त ऐसा माहौल होता है कि उनमें से कोई एक किसी को जान से मार देगा। बच्ची की जो अलामत आप बता रहे हैं, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। नफ्सियात में इसे अनजाना खौफ कहा जाता है, जिसमें मरीज बेवजह खौफ में मुब्तला रहता है, और अगर ये बीमारी शदीद नौइयत की हो तो इससे जान जाने का खतरा भी होता है। ये एक्सट्रीम स्ट्रेस की अलामत भी होती है। डॉक्टर के मुताबिक थोड़ी कमजोरी और थकावट है, बाकी सब क्लियर है। हाजी साहब, फिर ये जादू या आसिब का मामला भी हो सकता है। आपको कुरानी आयात पानी पर दम करके देता हूं, वो सुबह शाम बच्ची को पिलाएं, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। जी, मैं हाजी इलियास की बहू बात कर रही हूँ। घर पर मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई है, चिल्ला रही है और खुद को मार रही है। अभी तो घर पर कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं देवर के छोटे बेटे को भेज रही हूँ, आप उनके साथ आ जाएं। मौलाना साहब आ गए, उन्होंने कुरानी आयात का दम किया और फिर वो पानी पीने को दिया तो सना की तबीयत कुछ बेहतर हुई। मौलाना साहब ड्राइंग रूम से कॉमन रूम में आए और बा आवाज़ बुलंद अजान देना शुरू की। अजान देकर वो वापस ड्राइंग रूम में आए। बहन, आपके घर में तो आसेब है। मिसेस शहजाद और मिसेस जवाद ने अपनी सास को देखा, यानी जब भी कोई अल्लाह का जिक्र करता है इन्हें तकलीफ होती है। अजान सुनकर शयातीन भाग जाते हैं। जब भी कोई ऐसा मामला हो तो घर में अजान दिया करें। सभी गुत्थियां आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं। घर में जब भी कोई इबादत होती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती। मौलाना साहब, जब से हम यहां आए हैं घर का सुकून गारत हो गया है। दिन में दो तीन झगड़े आम सी बात हो गई है। कभी चीजें गुम हो जाती हैं तो कभी लाइट या पंखा खुद ब खुद बंद हो जाता है, और मेरी पोती की तबीयत तो दिन ब दिन खराब हो रही है। इतनी नेक बच्ची है, पता नहीं क्यों क्या हाल बन गया है उसका। बहन, ऐसा मालूम होता है कि वो पहले से यहां मौजूद थे और उन्हें आप लोगों का आना पसंद नहीं, इसलिए तंग करते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, इनका कुछ बंदोबस्त करते हैं। फिर उन्होंने कुछ कुरानी आयात पर आवाज बुलंद पड़ी और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोले, घर में सभी लोग वापस आए तो रात के खाने के बाद दादी ने सभी घर वालों को सारा वाकया बताया। क्यों छोड़ दूं विर्द? अरे मैं नहीं डरता किसी जिनविन से, और अगर उन्होंने ज्यादा तंग किया तो काबू कर लूंगा सबको। कुछ नहीं है जिन्नात वगैरह, शहजाद ने भी राय दी, वैसे ही फहम ना करें। मैंने कनाडा में अपने दोस्त को यह मसला बताया था, उससे सना के लिए मेडिसिन भी मंगवाई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। ये जिन हमें तो तंग नहीं करते, औरतों का ईमान वैसे ही कमजोर होता है, ऊपर से ऐसे मौलवी और हवा देते हैं, वसवसे मत पालें। जवाद की भी वही राय थी। मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, साथ ने कहा तो फौरन मिसेस जवाद ने टपटा, तुम तो चुप ही करो, उनका हमला तुम्ही पर ज्यादा होता है, फेवरेट हो उनके। ये जो बात बात पर छोटे बड़ों से हाथापाई कर लेते हो ना, ये बदतमीजी इसी घर में अपनाई है तुमने? हाँ, मैंने भी नोट तो किया है, मुझ में शिद्दत आ गई है, नफरत और गुस्सा बहुत आता है, शायद ये वजह ना भी हो, मुजम्मिल ने भी सोचते सोचते कहा। इसी दौरान 7 साल अहद कमरे में आया। जी दादा अब्बू, सबने अहद को सवालिया नजरों से देखा। वो कहने लगा, सात भाई ने कहा है कि आप मुझे बुला रहे हैं। सबको सांप सूंघ गया। जवाद ने अहद को बुलाया, बेटा साद कब आया था तुम्हारे पास? अभी थोड़ी देर पहले, कह रहे थे कि दादा अब्बू बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने खिलौने रखकर आता हूं, तो अच्छा कहकर चले गए। साद के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो पिछले कई घंटों से यहां बैठा हूं। सभी को साद की बात पर यकीन था, क्योंकि वो उस कमरे से बाहर तो क्या अपनी जगह से भी उठा नहीं था। घर पर दो वक्त में अजान होने लगी। वाकयात में मामूली सी कमी आई थी,
सदकात हर हफ्ते दिए जाने लगे। वो 20वां दिन था। मौलाना साहब ने कहा था कि जब तिलावत की जाए तो सना को वहीं मौजूद होना चाहिए ताकि वो भी सुन सके। मिसेस शहजाद तिलावत करने लगी तो सना वहां से उठकर लाउंज में आ गई। उन्होंने सभा को कहा कि सना को ले आओ ताकि वो भी सुने। सना किसी तौर कमरे में जाने पर राजी नहीं हो रही थी। सभा ने हाथ पकड़कर खींचा तो वह चीखी, छोड़ दो मुझे, मेरी जान छोड़ दो, पागल हो गई हूं मैं, ये कैसी जिंदगी बन गई है मेरी। सभा जबरदस्ती पकड़कर आखिरकार ले ही आई। मां ने इशारा किया कि पास बैठो। उसने नफरत से मां को देखा। मैं ठीक हूं यहां, आप अपना काम करें। आखिरी सफा जैसे ही आया सना की हालत बिगड़ने लगी। मिसेस शहजाद ने और ऊंची आवाज में तिलावत पढ़ी तो सना चीखने और चिल्लाने लगी, खुद को मारने लगी। सभा आगे बढ़ी तो मिसेस शहजाद ने मना कर दिया। तिलावत खत्म करके जो ही उन्होंने सना पर फूंका वो जोर से चीखी। उसका वजूद अकड़ा हुआ था, फिर झटके से नॉर्मल हो गया। थोड़ी देर के बाद वो रोते हुए मिसेस शहजाद से माफियां मांग रही थी। मामा मुझे क्या हुआ था, मैंने मिसबिहेव तो नहीं किया? आई एम सॉरी मामा, पता नहीं मैं बेख्तियार क्यों हो जाती हूं। सुबह चाश्त का वक्त था। हाजी साहब मामूल के वजाइफ पढ़ने के बाद अब अखबार की सुर्खियां पढ़ने में मसरूफ थे। आधा घर इस वक्त भी सो रहा था। सना और सबा अपने कमरे में सो रही थीं। सना एकदम डर कर जागी और हाजी साहब के कमरे की तरफ गई चीखते हुए, आखिर छोड़ क्यों नहीं देते ये घर, क्या चाहते हो, तबाह हो जाए सब, मार दें सबको। सना के चिल्लाने से सभी घर वाले उठ गए थे। वो मजीद चीखते हुए मेन गेट की तरफ जा रही थी। निकल जाओ इस घर से, जाते क्यों नहीं हो। वो गेट खोलकर बाहर निकल रही थी। मिसेस शहजाद उसे संभाल रही थी लेकिन वो बिना दुपट्टे के बाहर निकलना चाह रही थी। अचानक उसने अपने बालों पर हाथ रखा, बाल मत खींचो, मैं जा रही हूं, दफा हो रही हूं, मैं जा रही हूं, मुझे मत रोके मामा, आग से मेरा पूरा बदन जल रहा है, सब जगह आग है, मुजम्मिल भाई मत पकड़ो प्लीज, प्लीज मेरा बदन जल रहा है, प्लीज मैं सबके पांव पड़ती हूं, सब बाहर आ जाओ इस घर से। हाजी साहब से लेकर छोटे आह तक सभी उसे हैरान वो शशदर देख रहे थे। वो बिना दुपट्टे उसे बाहर भागने से रोक भी रहे थे लेकिन सना में जाने इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वो सबसे खुद को छुड़ाते हुए मेन गेट के बाहर आ गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मुझे क्या हुआ था। नंगे पांव खड़ी सना को सभा ने दुपट्टा उड़ाया। मुजम्मिल और साथ उसके साथ ही खड़े थे। मिसेस शहजाद पानी का गिलास हाथ में पकड़े उस पर कुछ फूंक रही थी और पानी की छींटे उस पर डाल रही थी। उफ, मैं गली तक आ गई, सना ने मुंह छुपाया और रोने लगी। कुछ देर बाद जब वो सेट हुई तो मुजम्मिल ने पूछा, सना घर के अंदर चलें। सना ने रोती सूरत बनाकर भाई को देखा। उसने मदद के लिए मां को देखा तो वो भी कंधे से पकड़कर अंदर की तरफ धकेलने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, मैंने दुआ फूंक दी है, अब कुछ नहीं होगा। उसे घर लाकर कमरे में ले गए जहां सभी उसके बेड के पास ही थे। दादा दादी चची और सबा उसके लिए मुसलसल कुरानी आयात का वर्द कर रहे थे। शहजाद और जवाद मौलाना साहब के पास चले गए थे। घबराए हुए बच्चों को लेकर मुजम्मिल और साथ घर से बाहर चले गए थे। सना का सर मां की गोद में था और वो किसी बच्चे की तरह मां से चिपकी हुई थी। इसी दौरान खाला शकूरन भी घर आ चुकी थी। बशीर ने आपके घर से चीखों की आवाजें सुनी, खैर तो है ना? नहीं बहन, मेरी पोती नींद में डर गई थी, दादी ने बताया तो वो सना का जायजा लेने लगी। फिर रास्तारी से बोली, बच्ची हमेशा डरती है क्या? हाँ जी, अक्सर नींद में डर जाती है, आज कुछ ज्यादा ही डर गई थी। हाजी साहब ने घर बनाने के लिए जो जमीन खरीदी थी उस पर काम शुरू करवा दिया था। एक साल के अरसे में वो घर तकरीबन मुकम्मल हो रहा था। हालात रोज ब रोज खराब हो रहे थे। वैसे तो घर में रोजाना किसी न किसी के साथ कुछ गैर मामूली वाकया हो ही जाता था लेकिन फिर उसे वहम जानकर नजरअंदाज ही किया जाता था। घर से जरूरी दस्तावेजात का गुम होना और फिर चंद दिनों में ही किसी ऐसी जगह से मिल जाना जहां गुमान भी ना हो मामूल बन गया था। बहस व तकरार और हाथापाई भी बाकायदगी से हो रही थी। सना ने जैसे तैसे पेपर तो दे दिए थे लेकिन वही डरावने ख्वाब। मालिक मकान की बेगम घर का जायजा लेने और किराया बढ़ाने की गरज से मिलने आई। दादी ने उन्हें यह सब बताना मुनासिब न समझा कि वो ये ना समझ लें कि हम किराया बढ़ाने की वजह से वैसे ही कोई कहानी कह रहे हैं, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने खुद ही बता दिया, ये घर सबसे पहले मेरी कजन खालदा ने लिया था, 1.5 साल ही वो यहां रही और फिर एक बदकिस्मत शाम को उसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया। झगड़े पहले भी होते थे
झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपने शौहर की ही सेफ्टी गन उस पर चला दी। वो बेचारा मर गया और खालदा पहले जेल और फिर मेंटल हॉस्पिटल चली गई। आज भी वहीं है। उसका 10 साल बेटा अपनी नानू के पास रहता है। उसके बाद 3 साल से ये घर बंद रहा। मेरे शौहर की कोशिशों से एक इंश्योरेंस कंपनी ने इसे ऑफिस बना लिया, लेकिन 6 माह बाद ही वो यहां से चले गए। चंद अरसे बाद ये घर आपकी किस्मत में आया। मेरे शौहर ये घर अपनी बेटी के नाम करना चाह रहे थे, लेकिन जब वो दुबई से वापस आएगी, अभी 5 साल तक वो वहीं रहेगी। आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा? शुक्रिया बेटी, हमारा घर भी तकमील के मराहिल में है। अल्लाह ने चाहा तो इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। 28 जुलाई 2019 को जब सामान पैक हो रहा था और नए घर में जाने की तैयारियां हो रही थी, ट्रक पर सामान लोड हो चुका था और ट्रक स्टार्ट हुआ ही था कि शोर हो गया। मुजम्मिल और साद में अच्छी खासी तकरार हो रही थी। घर की सभी औरतें रोती बसोरती दुआएं पढ़ रही थी कि सब शिफ्टिंग खैरियत से हो जाए। 29 जुलाई की सुबह हाजी इलियास और उसके कुंबे के लिए अम सुकून और ढेर सारी खुशियां लाई थीं। सात रात में ही मुजम्मिल से गले लगकर खूब रोया और माफिया मांगी। सना की तबीयत का बोझलपन दूर हो गया था। मिसेज जव्वाद के लिए सात फिर से फरमा बरदार हो गया था। जव्वाद साहब को डरावने ख्वाब आना बंद हो गए थे और भी बहुत से रुके हुए काम ठीक हो गए थे, क्योंकि अब वो किसी के घर से अपने घर आ गए थे।